म्यांमार से चल रहे बवाल के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए फ्री मूवमेंट रिजाइन को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखने के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। चूंकि विदेश मंत्रालय फिलहाल इसे खत्म करने की प्रक्रिया में है, इसलिए गृह मंत्रालय ने FMR को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की। देखा जाए तो देश की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जिस तरह से म्यांमार में बवाल देखने को मिल रहा, ये कदम बेहद जरूरी था। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसके पीछे देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कारण बताया है। गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर की जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखने के लिए म्यांमार के साथ मुक्त आंदोलन व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। जिस FMR को भारत खत्म करने का फैसला ले रहा, ये एक ऐसा समझौता था जिसके तहत भारत म्यांमार सीमा के आसपास के निवासियों को बिना वीजा के एक दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर तक की यात्रा की इजाजत थी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि पहाड़ी इलाके में ऐसी फेंसिंग करना लगभग असंभव है, इससे संतुलन बनाने में दिक्कत भी आ सकती है। हालांकि एक दिन पहले अमित शाह ने ये भी जानकारी दी थी कि सरकार देश की सीमाओं की किलेबंदी करने जा रही है, उन्हें अभेद बना रही है, इस पर लगातार काम जारी रहेगा। एक्स प्लेटफॉर्म पर अमित शाह ने जानकारी दी थी कि भारत म्यांमार सीमा पर कुल 1643 किलोमीटर लंबी फेंसिंग होगी। इस फेंसिंग के साथ एक लंबी पेट्रोलिंग ट्रैक को बनाया जाएगा ताकि सीमा पर तैनात सुरक्षा बल इसकी सुरक्षा सही से कर सके, निगरानी कर सके। कुल सीमा में से मणिपुर के मोरे में 10 किलोमीटर के हिस्से में बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम से बाड़ लगाने के लिए दो पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में से प्रत्येक में 1 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगेगी। मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने को भी मंजूरी मिल चुकी है, इस पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से सरकार ने FMR को खत्म करने का फैसला लिया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।